नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता और सत्ता। मैं आपके साथ अंजू प्रजापति। सावन माह में शुरू होने जा रहे कांवर यात्रा और बकरा ईद को लेकर रामपुर जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की। जिले के उलेमाओं और धर्मगुरुओं के साथ रामपुर जिला प्रशासन ने बकरा ईद और कांवर यात्रा को लेकर संयुक्त मीटिंग की। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना के समय प्रतिबंध था, लेकिन अब कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी त्यौहार पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। देखिए, जनपद में जो सावन का हमारा महीना शुरू हो रहा है, तो कांवड़ यात्रा को लेकर, सावन के सोमवारों को होने वाले जो शिवालयों में कार्यक्रम को लेकर और जो आगामी बकर ईद का त्यौहार है उसको लेकर एक संयुक्त बैठक सभी समुदाय के जो हमारे धार्मिक प्रतिनिधि हैं और सभी जो हमारे तहसील के प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो इस पूरी व्यवस्था से, आयोजन से जुड़े रहते हैं, सभी की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। और चूँकि पिछले दो साल कोविड के कारण बहुत सारे प्रतिबंध थे विभिन्न त्योहारों पर, चूँकि इस बार कोई प्रतिबंध ऐसा नहीं है, तो जो परंपरागत रूप से हम लोग त्यौहार मनाते आए हैं और अमन और चैन के साथ में, शांति के साथ में मनाते आए हैं, तो उसको लेकर जो एक ब्रीफिंग हम लोग करते हैं, वो ब्रीफिंग बैठक थी। सभी समुदाय के लोगों ने बहुत ही हर्ष के साथ में इस मीटिंग में प्रतिभाग किया और जो अपने अपने त्यौहार से संबंधित उनको व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी जिला प्रशासन से चाहिए थी, बहुत विस्तार में हमने सभी लोगों को दी है और निर्देश दिया है कि सभी समुदाय अपना अपना त्यौहार बहुत खुशी से मनाएं, कोई किसी दूसरे की भावना को आहत ना करे और किसी प्रकार का कहीं पे अगर किसी को कोई शिकायत है तो तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में लेकर आए, अपने स्तर पर कहीं कोई निर्णय कोई व्यक्ति ना ले, तो उसको भी हमने सभी लोगों ने बहुत विस्तार से सभी धर्मगुरुओं को बताया है। मुझे खुशी है कि सभी धर्मगुरुओं ने, जैसा कि जनपद रामपुर की परंपरा रही है कि अमन चैन के साथ में यहाँ त्यौहार सभी लोग मनाते हैं, वैसे ही मनाने का आश्वासन हमें दिया है। और जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो नगर पालिका की व्यवस्थाएं हो, सफाई की, लाइट की, बिजली की, तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे बकरीद के अवसर पर हों, चाहे कांवड़ यात्रा के अवसर पर हों और चाहे हमारे जो सावन के सोमवार हैं उनके अवसर पर शिवालयों में होनी है, सबके लिए मैंने बहुत विस्तार में अपनी पूरी टीम को बताया है। तो कल से हम इस सारी व्यवस्थाओं पर लगेंगे और एक बहुत अच्छी, एक अच्छा वातावरण सभी त्यौहार लोग मना पाए, सभी लोगों को देंगे। जिस तरह से भी देश प्रदेश में माहौल चल रहा है, इसको लेकर के क्या मैसेज देंगे, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा के तो व्यापक इंतजाम है और हमारे जनपद में अमन चैन बना रहे, तो उसको लेकर भी हम सभी लोग संयुक्त रूप से बैठ के अपने जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर करते रहते हैं। और मुझे खुशी है कि जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने हमारे धार्मिक प्रतिनिधि हैं, समुदायों के प्रतिनिधि हैं, सभी लोग बहुत पॉजिटिव रिस्पांस उस पर देते हैं और सभी लोग इस बात को हमेशा कहते हैं कि हमारे जनपद में सभी समुदायों के बीच में भाईचारा रहे, उसी दिशा में सब लोग प्रयास करते हैं और वो हमने देखा भी है, तो इसके लिए मैंने आज अपने सभी प्रतिनिधियों की प्रशंसा भी की है।